तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवेस्कुलर 04, जिसके अंदर एब्डोमेन और पेल्विस की आर्टरी और वेन पढ़ेंगे। हमने कार्डियोवेस्कुलर 3 में देखा था कि थोरेसिक एओर्टा T11 वर्टेब्रा पे डायफ्राम को क्रॉस करते हुए यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टा में कन्वर्ट हो जा रही थी। एब्डोमिनल एओर्टा L4 नंबर के वर्टेब्रा में जाके यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक कॉमन इलेक आर्टरी में, राइट कॉमन इलेक में और लेफ्ट कॉमन इलेक आर्टरी। ये दो कॉमन इलेक आर्टरी सेक्टर पोलोमेट्री में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक एक्सटर्नल इलेक आर्टरी में और एक इंटरनल इलेक आर्टरी में। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले एब्डोमेन की ब्रांचेस पढ़ते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा से जितनी भी होती है वो पूरे के पूरे एब्डोमिनल्स के ऑर्गन्स और पैराइटल ब्रांच दोनों निकलती है। तो दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे, एक पैराइटल ब्रांच और एक विसरल ब्रांच। पैराइटल ब्रांच में तीन आर्टरी निकलती है। पहली आर्टरी होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो जाके इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो जाके नीचे इन्फीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम को सप्लाई करती है। इसके अलावा ये यहाँ से एक और एक ब्रांच देती है जो एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, जिसका नाम है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। ये पहली ब्रांच है। दूसरी ब्रांच है यहाँ पर लंबर आर्टरी जाके लंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड को सप्लाई करती है और उसके मैनेजेस को सप्लाई करती है। तीसरी आर्टरी होती है यहाँ पर जो दिख नहीं रही है, यहाँ पर एक मीडियन सैक्रल आर्टरी होती है जो जाके सैक्रल कैनाल के अंदर एंट्री लेके सैक्रल पार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है और सैक्रल बोन के पेरिओस्टियम को भी सप्लाई करती है। तो ये तीन पैराइटल ब्रांचेस थी। अब हम पढ़ेंगे विसरल ब्रांचेस। विसरल ब्रांचेस को एब्डोमिनल पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पेयर्ड ब्रांचेस और एक अनपेयर्ड ब्रांचेस। पहला हम पढ़ लेते हैं पेयर्ड ब्रांचेस। पेयर्ड ब्रांचेस में टोटल तीन आर्टरी दिखती हैं। पहली आर्टरी ये यहाँ पर वेन है, यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रही है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जाके किडनी को सप्लाई करती है रीनल आर्टरी। उसके अलावा एक और ब्रांच एड्रिनल ब्रांच वी कैन से लाइक जो जाके इन्फीरियर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करता है। उसके अलावा ब्रांच देती है एक मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी, जो जाके मिडल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए टोटल तीन आर्टरी होती है, सुपीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी जो जाके इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है। दूसरी ब्रांच होती है मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी जो जाके डायरेक्टली ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। और तीसरी ब्रांच होती है इन्फीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी जो ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। तो ये ब्रांचेस थी एड्रिनल ग्लैंड की। उसके अलावा पेयर्ड ब्रांचेस में हमने पहली आर्टरी बताई रीनल आर्टरी, दूसरी ब्रांच होती है मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी जो जाके एड्रिनल ग्लैंड के मिडल पार्ट को सप्लाई करती है। और तीसरी जो पेयर्ड ब्रांचेस होती है वो गोनाडल ब्रांच होती है, यहाँ पर नहीं विजिबल है। तो गोनाडल ब्रांच होती है वो यहाँ पर से इन्फीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द लंबर वर्टेब्रा से मूव करते हुए जाती है और जाके टेस्टिकुलर ब्रांच देती है, मतलब गोनाडल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, टेस्टिस ओवेरी देन स्पर्मेटिक कोड उन सब के अंदर जाके सप्लाई करती है। उसके अलावा गोनाडल ब्रांच से एक और ब्रांच निकलती है जिसका नाम है सुपीरियर यूरेट्री कार्टरी, जो जाके सुपीरियर पार्ट ऑफ यूरेटर को सप्लाई करेगा जो किडनी से निकलती है। ये ब्रांचेस थी पेयर्ड ब्रांचेस। अब हम अनपेयर्ड ब्रांचेस की बात करेंगे। अनपेयर्ड ब्रांचेस में एब्डोमिनल एओर्टा से तीन ब्रांचेस होती है, सीलिएट ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की बात, सीलिएट ट्रंक की बात करते हैं। सीलिएट ट्रंक यहाँ पर तीन ब्रांचेस देता है। पहला ब्रांच होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो जाके लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे जाके स्टमक को सप्लाई करती है पाइलोरिक पार्ट पे, ये याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। लेफ्ट गैस्ट्रिक के अलावा यहाँ पर दूसरी ब्रांच देती है कॉमन हिपेटिक आर्टरी। यहाँ पर जो पूरा बंडल दिख रहा है कॉमन हिपेटिक आर्टरी। कॉमन हिपेटिक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी में एंड देन दूसरी ब्रांच होती है सुपीरियर। बात करते हैं तीन पेयर्ड ब्रांचेस, अनपेयर्ड ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। अनपेयर्ड ब्रांचेस में टोटल तीन ब्रांचेस होती है। पहले होती है सिलेक्ट्रन जो T12 नंबर वर्टेब्रा पे प्रेजेंट होती है, दूसरी होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो L1 वर्टेब्रा पे प्रेजेंट हो सकती है L1 और L2 के बीच में, और तीसरी होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो L3 और L4 नंबर के वर्टेब्रा पे प्रेजेंट होती है। ये ब्रांच यानी स्केलेटोपी के हिसाब से। अब इन सब की ब्रांचेस पढ़ते हैं। सिलेक्ट्रन की टोटल तीन ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यहाँ पर जो दिख रही है
लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो जाके लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे पाइलोरिक पार्ट से वो निकलती हुई जाती है और यहाँ पर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस करती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो अभी पढ़ेंगे बाद में, ब्रांच होती है प्रॉपर हिपेटिक की। तो पहली ब्रांच निकली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी ब्रांच होती है कॉमन हिपेटिक आर्टरी, जो यहाँ पर ये पूरा बंडल दिख रहा है कॉमन हिपेटिक आर्टरी है। कॉमन हिपेटिक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऊपर वाला जो दिख रहा है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी और दूसरा वाला जो ब्रांच होता है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी फिर तीन ब्रांच देती है, एक राइट हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो कार्डियक पार्ट से निकलते हुए आती है और यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस करती है। उसके अलावा जो राइट हिपेटिक आर्टरी और प्रॉपर लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी वो दोनों एंट्री लेते लीवर के अंदर और लीवर को जाके सप्लाई करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी थी वो प्रेजेंट होती है हिपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर। हिपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डी वी ए, डक्ट, वेन एंड द आर्टरी, पोर्टल वेन, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी एंड हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट, पोर्टल वेन और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी वाला। तो यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डी वी ए, ओके। ये तीन स्ट्रक्चर ये यहाँ पर सर्जिकल इंपॉर्टेंट भी है, लाइक जब भी सर्जरी कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइक जरा सा भी कट नहीं लगना चाहिए, वरना फिर पोर्टल वेन से जितना भी ब्लड होगा वो ज़्यादा फ्लो हो सकता है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा यहाँ पर देती है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पहली होती है राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी जो वापस से लेसर कर्वेचर से मूव करते हुए जाती है और इसी को ग्रेटर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर पे जाके सुपीरियर पार्ट पे जाके सप्लाई करती है। और जो गैस्ट्रो ड्यूडेनल से जो दूसरी ब्रांच निकलती है सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी एज पर द नेम, वो सुपीरियर पार्ट ऑफ पैनक्रियास पे मूव करेगी, सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी और ये इतने पार्ट को सप्लाई करती है गैस्ट्रो ड्यूडेनल की ब्रांच। उसके अलावा तीसरी जो पेयर ब्रांच कॉमन हिपेटिक की होती है वो होती है स्प्लेनिक ब्रांच। स्प्लेनिक ब्रांच जो जाके स्प्लीन को सप्लाई करती है, इसमें स्प्लीन एब्सेंट है, लाइक उसकी भी तीन माइनर ब्रांचेस निकलती है। पहली ब्रांच होती है स्प्लीन को डायरेक्ट जो सप्लाई करती है स्प्लेनिक ब्रांच, उसके अलावा यहाँ पर फ्रेनिक ब्रांच देती है, उसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जाके वापस से यहाँ से ग्रेटर कर्वेचर से मूव करते हुए और स्टमक को जाके सप्लाई करती है। तो स्टमक के लिए टोटल पाँच आर्टरी होती है, एक राइट गैस्ट्रिक, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक, एक सुपीरियर राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी और एक लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी जो ब्रांच होती है यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी की। तो स्प्लेनिक आर्टरी की टोटल तीन ब्रांच होती है, एक पहली ब्रांच होती है पैनक्रियाटिक ब्रांच, दूसरी शॉर्ट गैस्ट्रिक और तीसरी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। ये सारी ब्रांच थी सीलिएक ट्रंक की। अब सुपीरियर मेसेंट्री की बात करते हैं। सुपीरियर मेसेंट्री उन ऑर्गन्स को सप्लाई करता है जो फोर गट से डेवलप्ड हुए, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं। पहली ब्रांच देता है ये सीलिएक आर्टरी जो जाके सीकम को सप्लाई से करता है, फिर उसके बाद अलावा अपेंडिक्स को सप्लाई करता है और इलियम पार्ट को भी सप्लाई करता है। दूसरी ब्रांच देती है कोलिक ब्रांच जो जाके असेंडिंग कोलोन को सप्लाई करती है, फिर उसके अलावा मिडल कोलिक आर्टरी देती है जो मिडल पार्ट मिडल वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करती है। ये ब्रांचेस थी सुपीरियर मेसेंट्रिक से। सुपीरियर मेसेंट्रिक से एक और ब्रांच निकलती है जो जाके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेसेंट्री को सप्लाई करती है, एट द लास्ट मेसेंट्री को ही चाहिए।